जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक रुक परदेसी और नागपुरी अर का तेरा कादर, इंदिर गे राजन सुनाना, दर हो इंदिर गे दसन सुनाना, और नागपुरी। तो हमारे यहाँ जो सबसे दुख है वो है पलायन। मैं बंबई गई क्योंकि यहाँ पे काम नहीं था। झारखंड को बने आज 25 साल हो गया है, पर हम आज भी बंबई जाते हैं क्योंकि जंगल काट कर सुंदर खेत बनाते हैं, हल जोत कर अनाज उगाते हैं, लेकिन हम सो जाते हैं भूखे पेट क्योंकि हमारे घर में हमारे लिए काम नहीं है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, और वो कहानी मैंने नेतरहाट के ही आंदोलन की कहानी कही है, यहाँ के जंगल पहाड़ों की कहानी कही है, यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहनों की कहानी कही है, उनका सुख दुख कहा है, हमारे यहाँ का जो पलायन है उसका कहानी हमने कहा है। कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से? मुझे अच्छा लोग हैं जो थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं कि भाई अरे यार ये अपनी तरह का आदमी है, हाँ या ठीक है, कोई बहुत तामझाम लेकर के नहीं आया है, होर्डिंग में नहीं छप गया है, खुद आ गया है हमारे पास, बात कर रहा है हमसे, हाँ हमारे साथ बैठ करके हाँ चर्चा कर रहा है, सुख दुख समझ रहा है, तो लोग कनेक्ट तो कर रहे हैं। जब प्रचार करने का क्या आपका अंदाज है? अंदाज मैंने बहुत साधारण तरीका ही इस्तेमाल किया है, एक 150 रुपये का बोर्ड लिया है, 15 साल से मैं लगातार इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहुँचा हूँ, और मुझे पहुँचना है तो अभी पहुँच जाना है, 15 दिन में पहुँच जाना है, ये बात तो है नहीं। मैं लगातार कछुए की चाल से लगातार निरंतर लोगों के बीच में पहुँच रहा हूँ, और इस चुनाव के लिए तो मैं पिछले 1.5 साल से लोगों के बीच में मूव कर रहा हूँ। मैं जानता था कि मैं पैदल लोगों के बीच पहुँचने वाला हूँ तो मुझे वक्त लगने वाला है, तो मैंने ये निर्णय बहुत 1.5 साल पहले ले लिया था। मैं और मेघा लगातार हम दोनों लोग जाते हैं, मेघा गीत गाती है, अपनी बात रखती है, मैं अपनी बात रखता हूँ, तो मुझे लोग श्रीराम डाल्टन के नाम से भी जानते हैं, और श्रीराम डाल्टन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि 22 साल मैं मुंबई में फिल्म मेकिंग में रहा हूं, और रहने वाला डाल्टनगंज का हूं, और चूंकि सिनेमा बनाने के क्रम में लोग मेरे नाम के साथ मेरे शहर का नाम इस्तेमाल करते थे, और इसलिए मुझे श्रीराम डाल्टन के नाम से जाना जाता है। तो मैंने जो कहानियाँ बनाई हैं, जो मैंने फिल्में बनाई हैं, वो चतरा क्षेत्र का जो मुख्य जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है नेतरहाट, जिसको मैं जानता हूँ नेचर्स हार्ट, प्रकृति का दिल, तो ये झारखंड और ये चतरा का जो प्रकृति का दिल है वो नेतरहाट है। तो उस क्षेत्र में जंगल पहाड़ों के बीच में, झरनों के बीच में, हाँ जंगल पानी पर्यावरण के विषय पे हाँ एक लंबा संघर्ष रहा है हमारा, और उसी को लेकर के हमने कहानियाँ कही हैं, आदिवासी भाई बहनों के दुख सुख की कहानियाँ कही हैं, उनके पलायन की कहानियाँ कही हैं, इनफैक्ट हमारे पलायन की कहानियाँ कही हैं। हाँ तो एक सोच है हमारा कि इस क्षेत्र में हाँ जो जैसा कि पूरे देश भर में लोग जानते हैं कि झारखंड है जो सस्ते मजदूर के लिए जाना जाता है, तो हम लोगों को भी सस्ते मजदूर के बतौर ही लोग देखा करते थे, ये एक बड़ा दुख था। तो एक प्रयास हम कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र के लिए हम कुछ बेहतर कर सकें। मैं मेघा हैं, हमारे मित्र हैं जेम्स भाई हैं, हाँ तमाम सारे साथी हमारे हैं जो हाँ कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन कर सकें, हाँ अपने पूर्वजों की धरोहर, हाँ जंगल पहाड़ झरनों को हम बचा सकें, हमारे नदियों में पानी हो 12 महीने, हमारे तालाबों को बचाया जा सके, यहाँ के हमारे किसान हाँ पानी भी के बिना अपने खेती को सूखा ना कर पाएँ, तो सारी सुविधाएँ हम उपलब्ध करा पाएँ। तो इन सब सोच के तहत हम एक प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच मिलजुल रहे हैं, हाँ हम अपना नाम प्रस्तावित करते हैं कि भाई हमको मौका दें। जो चापा कल चलाएगा वही चुनाव लड़ेगा। हाँ एसी में बैठ के 700 आदमी कार्यकर्ता को धूप में रंगवा के श्रीराम को हम कभी नहीं कहेंगे कि चलो। हम ये भी कहते हैं कि बॉडीगार्ड और बंदूक उनको चाहिए, हमको खाली 150 रुपये का ये चाहिए, होर्डिंग चाहिए। और कोई पूछता है कि आपका होर्डिंग पोस्टर कौन है, तो आप लोग हमारे होर्डिंग पोस्टर हैं। हम कहाँ टांगे 2000 करोड़ का, और क्यों टांगे? हम एकदम सीमित संसाधन में, सरकार कहती है कि 95 लाख रुपया एक आदमी खर्चा कर सकता है, कहाँ से खर्चा करेगा, कैसे जायज खर्चा करेगा? आज राम का फाइल भरने जाएंगे तो सब इनकम टैक्स में 000 शून्य शून्य है, क्योंकि जो कमाया उसका सब कुछ सिनेमा बनाया। झारखंड के भाई बहन का कहानी कहा, ऐसा नहीं था कि आदिवासियत का कहानी था,
हम सब लोगों का कहानी था, हर दर्जे का कहानी था। तो बस ये कहना चाहते कि जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक रुक परदेसी, रुक रुक परदेसी, पलामू जिला देख ले। तो इतना अद्भुत है अपना पलामू। हम बढ़ते बढ़ते पलामू, चतरा, गढ़वा और पता नहीं कितना बढ़ गए, क्योंकि चीज़ों को ठीक किया जा सके। नहीं तो पलामू राइज ही गाते थे लोग, नेत्रहाट के लोग पलामू राइज गाते थे, पलामू डाक बंगला कहते थे। तो हम अपने सब भाई बहन से कहते हैं कि मेरे साथ खड़ा होने का मतलब है कि खुद के साथ खड़ा होना। हम कहते हैं कि भ्रम से निकलिए, और कोई कहता है कि कैसे लड़िएगा इतना बड़ा चुनाव, क्योंकि चुनाव तो लड़ते फॉर्चुनर से, बैंक बैलेंस से और बूथ मैनेजमेंट से। हम कहते हैं कि हमारा जनता ही हमारा बूथ मैनेजमेंट है भाई, जय हो मतदाता की, हम तो यही समझते हैं। और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश में, अब ऐसे में इन लोग किस तरीके से साधिएगा आप? इतनी बड़ी पार्टियां, इनके साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ हो जाने के लिए हमको कोयल और ओरंगा बेचना पड़ेगा, हमको ना वो कोई पहाड़वा ढहाना पड़ेगा। तो उनके साथ होने से अच्छा है कि हम खुद के साथ खड़े हो जाए। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम गीत गा के अपने जमीन का दुर्भाग्य बदल जानते हैं, हमको विश्वास है कि जनता हमारा बूथ मैनेजमेंट करेगी। कला जी, कितनी संभावनाएं हैं। मैं यही कह सकती हूँ कि टंडवा का मैंने माइनिंग देखा, कितना अभूतपूर्व है। कोयला तनी यहो लगा के यहो एक आध को ब्रांच बना देते कि भाई बहन को पलायन नहीं करना पड़ता। मतलब वो जो जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत सारे राज्यों का भला हो, वो सब हमारा ही भाई बहन है, लेकिन तनी हमरो राज्य का भला हो जाए कि दो चार गो हमीनों देने लग जाए, कल कारखाना की कुछ मजा आ जाए। और जहाँ तक हम सिनेमा और संगीत के विधा से, झारखंड का कोना कोना सिनेमा है, हर आदमी में काबिलियत है। एक बार राजमात के तो देखिए, श्रीराम के फिल्म स्प्रिंग थंडर में 200,000 लोगों ने काम किया, हार्डली 10 गो बम्बई के लोग होंगे, पूरा झारखंड का भाई बहन था, कोई एक्टर नहीं था, कोई मतलब सिनेमा से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इतना शानदार सिनेमा बना कि भारत तो छोड़िए, अमेरिका ने श्रीराम को उस फिल्म के लिए मतलब बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड दिया। तो हम कहते हैं कि हमारे भाई बहन में बहुत कुछ है, हम उनको एक बार मौका तो दे। आपसे बतियाने में, आपके सामने गाने में हमको कोई शर्म नहीं है, हमको कोई हिचक नहीं। कारण ये है कि सब आप लोग मेरे भाई बहन हैं, सबका खाली नाम नंबर और चेहरा बदला है, नहीं तो आप मेरे मेरे भाई होंगे, एगो फुफेरे भाई होंगे, एगो चचा होंगे, एगो मौसी होंगे, तो हम काहे शर्माए। हम जानते हैं कि हम और हम ही बदलेंगे, इस बात को जान गए। आम जनता को क्या संदेश देंगे? हम भाई बहन को यही कहना चाहते हैं, सब सुनने वाले लोगों को, कि अपना साथ दीजिए, मेरा साथ मत दीजिए। मेरा साथ तब, आप खुद का साथ दीजिएगा तो मेरा साथ हो जाएगा। हम कहते हैं कि चीज़ों को हम ही बदल सकते हैं, आप ही ठीक कर सकते हैं। हम कहते हैं कि दान देने से गरीबी दूर होगा, हाँ दान देने से कहीं गरीबी दूर नहीं होगा। हमारा हक है, ये जितना संसाधन है सब पे हमारा हक है, तो हमारे हिसाब से चीज़ों का बंटवारा हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आप सब हमको दिल से धन्यवाद, जोहार, प्रणाम और अंतिम बात की, अघोरा नाम परो मंत्र नास्ति तत्वं गुरो परा महादेवा।